प्रभारी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी, सबके पास में प्रभारी जी के माध्यम से सारी बातें उनके संज्ञान में है, इसलिए मैं इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। व्यक्ति के लिए कोई भी ओछे शब्दों का प्रयोग करता है तो वो निंदनीय है, हम उसको कतई ठीक नहीं मानते। कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति ओछी टिप्पणी करता है तो वो कांग्रेस पार्टी की रीतिनीति भी नहीं हो सकती और मैं उसको कतई ठीक नहीं मानता। मैं इसका क्या मामला है क्या नहीं है इसमें तो क्या बात है, तो सभी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमारी सर्वे करा रही है और अगर वो सर्वे में लोकप्रिय नहीं है, जनता उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती है, चाहे उसमें कोविड नोटासरा भी क्यों नहीं हो, तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो पार्टी नहीं देगी। मुझे पूरा विश्वास है पार्टी उसी को टिकट देगी जो जनता में लोकप्रिय है, जनता के बीच में जाएगा, वो जनता की सेवा करेगा, काम करेगा, उसी को टिकट देगी। सर कुछ भी नहीं है, उनसे दो दो तीन तीन नाम हमने मांगे थे और समय भी इसीलिए लगा है कि हमने उसको वेरीफाई कराया है। और आपने देखा होगा कि महेश जोशी जी मंत्री जी होते हुए भी अब बने हैं, क्योंकि जो नाम वो दे रहे थे वो अच्छे कांग्रेसी थे, लेकिन हम कह रहे थे कि नहीं रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे लोगों को दीजिए। और अभी भी 30-35 नहीं बने तो जहां हमें संतुष्टि नहीं हुई वहां पर हमने उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया। राय तो MLA से, MP से, कैंडिडेट से सबसे भी ली जाती है संगठन बनाते वक्त, और प्रमुख नेताओं सबसे ली जाती है, बड़े नेताओं से भी लिया जाता है, लेकिन अंतिम फैसला संगठन का होता है। संगठन हित में क्या है और जो संगठन के लिए करेगा उसी का सिलेक्शन हुआ है।